धर्म रक्षक से महंत जगवीर दास को हिंदू महासभा ने सम्मानित किया। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को मुक्त कराने के लिए सन 1949 से न्यायालय में हिंदू महासभा ने पैरवी कर श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराया। दो वर्ष पूर्व श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण का देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन कर प्रारंभ हुआ था। दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर चामुंडा धाम कोटेश्वर पर दिनांक 6 अगस्त शनिवार को 73 श्रद्धालुओं द्वारा श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामबाबू सिंह ने कहा कि बालाजी सरकार गोलपाड़ा में किसी भी प्रकार का दान चढ़ोतरी नहीं ली जाती है। 138 बालक बालिकाओं से श्री हनुमान चालीसा का पाठ चरण सेवक श्री जगबीर दास जी ने कराया। आज हिंदू महासभा ने महंत जगबीर दास धर्म रक्षक की उपाधि देकर शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह श्री सुंदरकांड भेंट कर सम्मानित किया है। विशेष अतिथि के रूप में हिंदू महासभा की महिला संभागीय प्रवक्ता अर्चना सिंह चौहान, समिति से सुरेंद्र राठौर, विवेक शास्त्री ने कहा कि बालाजी सरकार गोलपाड़ा के महंत जगबीर दास जी महाराज को गत आधे दशक से लगातार हिंदू सनातन धर्म के लिए कार्यरत रहने पर हिंदू महासभा द्वारा धर्म रक्षक से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने किया। आज अयोध्या में जो भगवान श्री राम जन्मभूमि पर हिंदू महासभा ने सन 1949 से जो न्यायालय में पैरवी की, उसके बाद उसकी मुक्ति हुई है और जन्मभूमि हिंदुओं को प्राप्त हुई और देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पूर्व जो है 5 अगस्त को उसका शिलान्यास किया था। दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 6 तारीख को ग्वालियर के चामुंडा धाम पर जो है आज हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और बालाजी सरकार गोलपाड़ा के महंत जगबीर दास जी महाराज जी को धर्म रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।